सर हमारा फ्रैक्चर 17 मई 2022 को हुआ था अच्छा तथा रोड डलने के बाद इन्फेक्शन हो गया था। फिर रोड निकाल के फिक्सेटर लगाया गया था। कह रहे थे कि अब इसको निकाल के इसके बाद बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, तो आपके बारे में पता चला तो डॉक्टर तो वैसे बोल दिए थे कि प्लेट लगाना ही पड़ेगा, बोन ग्राफ्टिंग करना ही पड़ेगा। सर 3 ऑपरेशन हो गया था। स्थिति सर यही था कि मतलब पैर तो बहुत कमजोर हो गया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि देखो भाई इसमें तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं गव्य सिद्ध डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गव्य सिद्ध डॉक्टर दुष्यंत कुमार। झार आयुर्वेदा के इस परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मिलेंगे सोनभद्र उत्तर प्रदेश के निवासी अनिल जी से, जिन्होंने 1, 2, 4 या 5 मेडिसिन नहीं लगभग 13 से 14 मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। जहाँ पर लोग 2 से 3 औषधियों के इस्तेमाल के बाद कुछ परिणाम मिलने के बावजूद भी घबराते हैं कि औषधि को जारी रखा जाए या ना रखा जाए, वहाँ पर अपनी धैर्य का परिचय देते हुए किस प्रकार से भाई ने 13 से 14 औषधियों का इस्तेमाल किया, उसके बदले में उनको क्या कुछ परिणाम मिला, इस चीज़ों को हम लोग उनसे बात करके जानने का कोशिश करते हैं। जी अनिल जी नमस्ते, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। अच्छा, आप सबसे पहले बताएंगे तो आपको क्या की समस्या थी और किस वक्त आपका जो फ्रैक्चर है वो हुआ था? सर हमारा फ्रैक्चर 17 मई 2022 को हुआ था, अच्छा जिसमें रोड डला था। रोड डलने के बाद इन्फेक्शन हो गया था, अच्छा तो फिर रोड निकाल के फिक्सेटर लगाया गया था। हम्म, फिक्सेटर में भी हड्डी नहीं जुड़ा, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि अब इसको निकाल के इसके बाद बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। अच्छा तो इसके बाद यूट्यूब से देखे हम, तो आपके बारे में पता चला, तो फिर आपके पास दवा मंगाए। दवा मंगाने के बाद सर वही धीरे धीरे रिजल्ट मिलता आया, एक्सरे कराते गए रिजल्ट मिलता आया। अच्छा डॉक्टर तो वैसे बोल दिए थे कि प्लेट लगाना ही पड़ेगा, बोन ग्राफ्टिंग करना ही पड़ेगा, तो हमको फिर विश्वास नहीं हुआ। हम सोचे कि अगर फिर लगवा लेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगा, अच्छा इसीलिए सर वो प्लेट नहीं लगवाए। अच्छा। तो टोटल कितना ऑपरेशन आपका हो चुका था? टोटल सर 3 ऑपरेशन हो गया था। 3 ऑपरेशन, और उसके बाद क्या कुछ स्थिति था? स्थिति सर यही था कि मतलब पैर तो बहुत कमजोर हो गया था, और तो ऑपरेशन कराने के मूड में भी नहीं थे हम, दोबारा से दिक्कत हो जाता इसलिए नहीं कराए हम ऑपरेशन। अच्छा, और उस वक्त डॉक्टर आपको क्या कुछ बोल रहे थे? डॉक्टर बोल रहे थे कि देखो भाई इसमें तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई वो नहीं है कि सही हो जाए। फिर इसके बाद हम देखे यूट्यूब से, तो आपके पास कोई दवा मंगाया फिर। अच्छा, तो जब आप झार आयुर्वेदा से औषधि लेना प्रारंभ किए, उससे पहले तक आपकी हड्डी की स्थिति क्या कुछ थी? हड्डी तो सर हमारा बहुत हिलता था। अच्छा, तो टोटल कितना मेडिसिन अब तक आप यूज कर चुके हो? कुल कुल 13 मेडिसिन हम यूज कर चुके हैं सर। अच्छा, अभी तक आप टोटल 13 मेडिसिन यूज कर चुके हो। तो जो जब आप ये चीज देखे कि 4 मेडिसिन के बाद भी आपका जो हड्डी है वो हिल ही रहा था, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? सर हमको तो ये लग रहा था कि सर हिलना बंद होगा या नहीं होगा, यही टेंशन रहता था। लेकिन फिर आप बोले कि नहीं जाकर मार्केट से सेफ्टी बेल्ट ले लो, तो सर सेफ्टी बेल्ट ये, इसके बाद सेफ्टी बेल्ट सर हम 1 महीने लगा के रखे। अच्छा, इसके बाद हमारा हड्डी जो है हिलना बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद जब 5 या 6 मेडिसिन हम लोग यूज कर लिए, उसके बाद जब हम लोग एक्सरे में देखे, तो हमारा जहां तक ख्याल है कि लगभग लगभग 50 से 70% तक जो हड्डी है उसमें कैलस बनता हुआ दिख रहा था। हाँ सर, पर हड्डी का हिलना फिर भी नहीं बंद हो रहा था। हाँ सर, उस वक्त क्या हड्डी सर इसलिए हड्डी सर इसलिए हिलना नहीं बंद हो रहा था ना, क्योंकि हड्डी बार बार हिल जा रहा था। अच्छा, इसके वजह से तो वही आप बोले सेफ्टी बेल्ट के लिए, तो वही सेफ्टी बेल्ट लाए तो हमारा हिलना बंद हुआ है। अच्छा,
अच्छा, सामान्यतः ये चीज देखा गया है कि लोग जैसे 2 मेडिसिन, कोई 3 मेडिसिन, कोई 5 मेडिसिन तक रुकते हैं कि चलिए अगर रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 3 मेडिसिन तक लोग क्या सोचते हैं कि हम दूसरा ऑल्टरनेटिव खोजेंगे, है ना, दूसरी जगह पर देखेंगे। तो ऐसा क्या कारण था कि आप 13 मेडिसिन तक रुक गए, क्योंकि जहां तक हमारा ख्याल है कि 12 मेडिसिन तक जो हड्डी है वो हिल ही रहा था, तो ऐसा क्या कारण था कि आप 13 मेडिसिन तक रुक गए कि मेरा जो हड्डी है वो हिलना बंद होगा करके? देखिए सर, हमको पहले बात हमको ऑपरेशन भी नहीं कराना था, और दूसरी बात को आप लोगों पे भरोसा था, हमको दवा पे भरोसा था कि हम सही हो जाएंगे दवा से। अच्छा। क्योंकि हम एक्सरे करा रहे थे, हमको एक्सरे में रिजल्ट में दिख रहा था। अच्छा। इसीलिए आपको विश्वास था कि नहीं हम सही हो जाएंगे। अच्छा। और मेडिसिन लेने से पहले चलना फिरना आप किस तरीके से करते थे? सर, मेडिसिन ना लेने के पहले, मतलब जब नहीं लिए थे तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे हम। अच्छा। फिर मेडिसिन, वही 4 मेडिसिन यूज करने के बाद आप बोले कि नहीं आप थोड़ा वाकर लेकर चलिए। अच्छा। वही मान के चलिए 20-30% वेट देकर चलने लगे। फिर इसके बाद जैसे जैसे दवा यूज करते गए आप बोले कि वेट बढ़ाते जाइए। फिर सर स्टिक्स, 7 या 8 मेडिसिन यूज करने के बाद स्टिक से चलना शुरू किए। अच्छा। फिर स्टिक से चलते चलते सर वही सेफ्टी बेल्ट लगाए, फिर इसके बाद हड्डी हिलना बंद हो गया तो बिना स्टिक के चलने लगे सर। अच्छा। तो अभी आप जो चलना फिरना करते हो वो किस प्रकार से करते हो? सर अभी तो नॉर्मल चलना फिरना करते हैं, लेकिन वही लिम्पिंग है अभी सर। कोई दर्द, कोई दिक्कत? दर्द सर फ्रैक्चर वाले जगह पे दर्द तो नहीं है सर, लेकिन नीचे एंकल में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, अच्छा ठीक है। और जो हमारे साथ हैं, जो हमारे परिवार हैं, उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? कि जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला कि नहीं रुकते हैं, कुछ कुछ ना कुछ कारण उनका होगा कि वो ऑप्शन खोजते हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे? नहीं सर, हम तो कह रहे हैं कि रुकना चाहिए, क्योंकि दवा बहुत अच्छा ही है, और देखिए हम रुके, हमारा रिजल्ट अच्छा मिला है। ये नहीं है कि नहीं 5-5 मेडिसिन 6 मेडिसिन लगा लिए तो हम नहीं यूज करेंगे, ऐसा बात नहीं है, यूज करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा तो सही रिजल्ट मिला है। बिल्कुल। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा चल के दिखाओ तो किस प्रकार से चलते हो। हालांकि हमारे पास वीडियो है, उसको हम लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम चाहेंगे थोड़ा सा आप कैमरा ऊपर करके चल के दिखाओ। सर दिख रहा है? बिल्कुल, हाँ बढ़िया दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी चलने फिरने में हमारे ख्याल से बहुत असुविधा तो नहीं है, एकदम माइनर सा लिम्पिंग शायद है, जो धीरे धीरे करके चलते चलते हाँ वो अपने आप कम जाएगा। हाँ जी, हाँ सर, बस थोड़ा सा ही लिम्पिंग है सर। अच्छा अच्छा, तो आप दिन भर में कितना चल लेते हो अभी? दिन भर में सर वही मान के चलिए 2-3 किलोमीटर चल लेते हैं। और सीढ़ी वगैरह चढ़ने में कोई दिक्कत है? नहीं सर, सीढ़ी वगैरह चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी चला लेते हो अभी आप? हाँ सर, बाइक चला लेते हैं। कोई दिक्कत होता है, दर्द वगैरह कुछ? नहीं सर, दर्द बाइक चलाने में कोई दर्द नहीं होता है। अच्छा, तो हड्डी को कोई समस्या अभी अभी जैसे हिलना ऐसा कुछ होता है या फिर कुछ भी दिक्कत नहीं? नहीं सर, हिलने वाला कोई कंडीशन नहीं, हिलने वाला बंद हो गया सिस्टम। मतलब अभी कितना प्रतिशत तक आप मान सकते हो कि अभी ठीक है आपका हड्डी? सर मान के चलिए हमारा 90% तक सही है। चलिए ठीक है, तो मतलब ये है कि पहला मेडिसिन से हम लोग शुरू किए थे और आज के तारीख में हम लोग 13 मेडिसिन यूज कर चुके हैं सर, और इतना टाइम लग गया, इसका कारण क्या रहा होगा आपके हिसाब से? क्योंकि हमने तो आपको बताया था उसका कारण क्या था, तो आपके हिसाब से क्या कारण रहा होगा इतना समय लग गया हड्डी को जुड़ने में? सर हमारे तरफ से देखिए वही के 3 बार ऑपरेशन हो गया था, पैर का मसल्स भी अजीब हो गया था, पैर में कोई ताकत भी नहीं था, और तो इन्फेक्शन भी पैर में हो गया था, इसके वजह से इतना लेट लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जो आप बोलना चाहते हो सबको? सर हम तो यही बोलना चाहते हैं कि दवा लें भरोसा करके, ये नहीं है कि 5 मेडिसिन 4 मेडिसिन लगा लिए तो बंद कर दिए, ऐसा बात नहीं है, दवा लेंगे तो भरोसा करके लेंगे तो सही है होंगे। बहुत अच्छा लगा। और जो आपका चलने फिरने वाला वीडियो है जो आप हमें भेजे थे, तो वो सब डाल सकते हैं क्या यूट्यूब पर? हाँ सर बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप हमें वॉकर से चलते हुए, स्टिक से चलते हुए सारे वीडियो भेजे हो आप हमें, ठीक है, तो प्रयास करेंगे हम लोग उसको डाल देने का। चलिए भाई कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
ठीक है, आप अपना काम जाके करो अभी जो चीज कर रहे थे, और बाकी अगर कोई दिक्कत होता है, कोई भी समस्या आता है तो जरूर संपर्क जरूर और बाकी अगर कोई दिक्कत आता है तो जरूर से हमसे संपर्क करोगे, ठीक है? चलिए भाई, हाँ चलो, हाँ नमस्कार। अधिकतर लोगों का ये मानसिकता है कि वो 4 या 5 औषधि तक में पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो समस्या है हर किसी का एक तरीके का नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। जैसे मान करके चलो आप, जो 10 से 15 साल का लड़का है जितने मेडिसिन में ठीक हो सकता है, कहीं ना कहीं जो 65-60 साल के बुजुर्ग हैं वो उतने ही मेडिसिन में ठीक नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ हड्डियाँ 2 से 3 औषधि में ठीक हो जाती है, जुड़ जाती है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी हड्डी को विशेष परिस्थिति में जुड़ने के लिए लगभग 10 से 15 औषधियों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और आप अगर इस प्राकृतिक औषधि को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पता होगा ज़्यादातर जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं 1.5 साल 2 साल इस तरीके का समय बीत चुका होता है, उनका जो हड्डी है लगभग नॉन यूनियन या फिर डिले यूनियन ज़्यादातर केस में होते हैं, तो इस हड्डी को 2-3-4 मेडिसिन में ठीक कर देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है और इतना आसानी से हो नहीं सकता है। सबसे पहले जो आपका हड्डी है, सबसे पहले जब आपका हड्डी नॉन यूनियन या फिर डिले यूनियन में चले जाता है उस कंडीशन में इसको केलस फॉर्मेशन का स्थिति में लेकर के आने के लिए लगभग 3 से 4 मेडिसिन का ज़रूरत पड़ जाता है, तो इस परिस्थिति में 3-4-5 मेडिसिन में ठीक हो पाना कहीं ना कहीं मुश्किल। जैसा आपने सुना अनिल भाई को 3 ऑपरेशन के बाद भी 4th ऑपरेशन के लिए कहा जा रहा था कि इस ऑपरेशन में प्लेट लगवा दिया जाएगा और आपकी जो हड्डी है उसको जुड़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन जब ये प्राकृतिक औषधि का सेवन कर रहे थे तो औषधि दर औषधि इनको बेहतर महसूस हो रहा था और एक्सरे में भी जो रिज़ल्ट है वो बेहतर तरीके से दिख रहा था। जब एक्सरे में बेहतर दिख रहा है, उनको अंदर से बेहतर फील हो रहा है, तो कहीं नहीं तो कहीं इतना तो हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं और इतना हम ज़रूर विश्वास कर सकते हैं कि आगे जाकर जो हड्डी है वो हिलना भी बंद होगी और आगे जाकर जो हड्डी है उसमें कैलस पूर्ण तरीके से भर जाएगा और हड्डी अच्छी तरीके से जुड़ जाएगी। झार आयुर्वेदा पर, प्राकृतिक औषधि पर विश्वास जताने और धैर्य बनाकर प्राकृतिक औषधि का सेवन करने के लिए झार आयुर्वेदा की तरफ से अनिल भाई को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि इस तरीके से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि जो भी इस तरीके का परेशानी का सामना कर रहे हैं उनको उससे बाहर आने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। बस इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप सबके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।